हाय गाइस, इट्स योर बॉय मिस्टर चैप्टर। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं स्टूडियो नहीं जा पाया, बाहर मौसम अच्छा नहीं था, इसलिए मेरे को अपने लैपटॉप से आज शूट करना पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो आज का गाइस टॉपिक ये है, पिछले में हमने देखा था सैम्पलिंग का पार्ट टू, उसकी मास्टर क्लास आएगी, बट थोड़ा सा जब हम एक्सेल कर जाएंगे प्रोडक्शन में तब आएगी। अभी हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं साथ में, तो अभी मैं उसकी आपको मास्टर क्लास नहीं दे सकता। अगर मैं अभी आपको दे दूंगा तो आपके ऊपर से चली जाएगी, सर के ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेलेडी की प्रोसेसिंग, हल्की फुल्की, मतलब बिगिनर लेवल की जो प्रोसेसिंग रहती है हमारी। तो गाइस जल्दी से अपने एफएल स्टूडियो खोलते हैं। एफएल स्टूडियो हमारा खुल गया है। तो गाइस मेलेडी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, मेलेडी प्रोसेसिंग गाइस रहती है कि आपने कोई भी मेलेडी बनाई या फिर कोई भी कॉर्ड्स बनाए, कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया अपने बीट के अंदर, तो जनरली क्या होता है कि जैसे अभी हम ग्रैंड पियानो एफएल का स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जब आपने सुना होगा, जब भी हम वो कीबोर्ड लगाते हैं, हम जब पियानो उसमें बजाते हैं पियानो रोल में, तो वो काफ़ी मतलब ड्राई सा साउंड करता है। ड्राई इन द सेंस ऐसा लगता है और उसमें ना भराव नहीं आ रहा, स्प्रेड नहीं है, एक साउंड वाइड ही नहीं साउंड कर रहा, काफ़ी मतलब एक सिंपल सा सिग्नल जा रहा है, मतलब जिसमें कुछ वाइब नहीं आ रही है। तो प्रोसेसिंग वहाँ आती है। प्रोसेसिंग मीन्स आपके पास कोई चीज़ थी, आपने उसको प्रोसेस करके कुछ एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब है, दूध के अंदर चाय पत्ती, तो चाय बन गई। वो दूध के अंदर प्रोसेसिंग का काम किया चाय पत्ती ने, जिसने उसको चाय बना दिया। तो सिंपल से वही चीज़ है। आप कोई, हम जैसे कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं अभी फट से, और उस पर मैं आपको प्रोसेसिंग करके दिखाऊंगा क्या होती है। या तो काम करते हैं, मैं कॉर्ड्स और एक मेलेडी दोनों बना देता हूँ, ताकि मैं प्रोसेसिंग को और अच्छे से समझा पाऊँ आप सबको। तो मेरे साथ साथ करते रहना। आई होप आप सबने अपना सिस्टम ऑन कर रखा होगा, क्योंकि गाइस साथ साथ करते रहोगे ना तो आदत होती रहेगी और आता रहेगा आपको समझ अच्छे से। तो मैं एफ बना दे रहा हूँ। तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बना दिया है, और मैं जल्दी से एक ऐसी बहुत बेसिक सी एक वो बना देता हूँ अपनी मेलेडी। तो एक काम करते हैं गाइस, मेलेडी चलो फिर हम एक बार ग्रैंड पियानो के अंदर ही मेलेडी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। बाकी वैसे अपने एफएल के अंदर और भी कई सारे स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जनरली क्या है, वो प्रोसेस हल्का उसमें ना सिग्नल बैट होता है, तो इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सॉरी गाइस, मेरा रिकॉर्ड जिसमें मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा था फ़ोन से वो गिर गया है, लैपटॉप बच गया ना गाइस। हाँ ठीक है, तो क्या होता अगर मैं बाकी एफएल के स्टॉक इंस्ट्रूमेंट से लगा के दिखा देता आपको, तो आपको इतना डिफरेंस अभी इनिशियल स्टेज पे समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारा सिग्नल वेट होके आता है। वेट और ड्राई का मतलब क्या होता है, अगर मैं अभी आपको बता दूँ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट में, ड्राई मतलब उस सिग्नल पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं, वो बिल्कुल वाइड नहीं है सिग्नल, एक बिल्कुल प्लेन सिग्नल जा रहा है। वेट का मतलब क्या, उसके अंदर थोड़ी रिवर्ब या डिले आ जाती है, थोड़ा सा वो फैल जाता है, गूंज जाता है उसके अंदर, वाइड हो जाता है वो सिग्नल। ठीक है गाइस, तो एक बार हम फिर मेलेडी बना देते हैं अभी इसी के अंदर। Thank you.
अब गाइस हमने एक बहुत ही बेसिक सी एक अपना मेलोडी बना लिया है और कॉर्ड प्रोग्रेशन भी हमने एक बहुत बेसिक सा बना लिया था। अब प्रोसेसिंग पे हम आ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐसे देखो, चलो हाँ मिक्सर का भी आज आपका बिगिनिंग ही होगा। तो क्या करना है आपको, चैनल रैक था आपका, चैनल रैक पे आपको क्लिक करके रखना है। इसके मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं पहले ग्रैंड पियानो के इस पे गया, जो ग्रीन बार है ना, ग्रीन बार, इस पे ग्रीन बार पे मैं एक क्लिक करूँगा और अपने जो माउस का लेफ्ट क्लिक किया उसको होल्ड करके रखूँगा और देखो अपने आप नीचे वाला या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो आपके सारे ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद कीबोर्ड पे आ जाओ, कीबोर्ड पे आपको दबाना है कंट्रोल प्लस एल। तो ये हमारा और अपने आप मिक्सर के अंदर जगह बना लेगा। मिक्सर हमारा यहाँ से खुलता है, ये नॉब्स दिख रही है आपको, ये हमारा मिक्सर, इससे मिक्सर खुल जाता है। तो हमारा देखो इसके अंदर सिग्नल आ गया और मिक्सर का आपको बेसिक आइडिया दूँ तो ये एक हमारा मास्टर चैनल होता है जिसके अंदर हमारा जितना भी साउंड बज रहा है वो हमारा जाके ले देके यहाँ पे प्ले होता है मास्टर ट्रैक में। देखो इसकी लिंकिंग भी मास्टर से है, इसकी लिंकिंग भी मास्टर से है, तो ये सारे ट्रैक्स हमारे मास्टर में जाके बजते हैं। प्रोसेसिंग पर आ जाते हैं, पहले एक मेलेडी की प्रोसेसिंग कर देते हैं। मेलेडी हमारी ये थी, अगर आप राइट क्लिक दबाओगे माउस का किसी के भी ग्रीन बार पे तो वो चीज़ सोल हो जाएगी, बाकी सारी ट्रैक्स आपके म्यूट हो जाएंगे। अब मैं वापस राइट क्लिक दबाऊँ तो अनम्यूट हो गया। अब गाइस देखो अब कितना ड्राई सा सिग्नल सा लग रहा है, अब इसको फैलाना है। तो इनिशियल स्टेज पे गाइस अभी आपको मैं दो प्लगइन्स बताता हूँ, FL के स्टॉक हैं, FL रिवर्ब और FL का डिले जो आता है हमारा, फ्रूटी रिवर्ब और फ्रूटी डिले। तो फ्रूटी रिवर्ब 2 हम यहाँ पे लगाएंगे, फ्रूटी रिवर्ब डालने के बाद गाइस हम लगाएंगे सबसे पहले मैं आपको रिवर्ब का एक अच्छा सा लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको रिवर्ब का पूरा डिस्प्ले आपको समझाऊँगा, बट अभी के लिए आप वेट नोब को ऊपर नीचे कर सकते हैं जितना आपको स्प्रेड करना है। ये देखो आप लाइट भी देख रहे होगे, यहाँ पे ध्यान देना जब मैं वेट नोब को ऊपर नीचे करूँ यहाँ पे चेंज हो रहा है। रिवर्ब और डिले का आपको अलग से लेक्चर दूंगा क्योंकि इसमें समझाऊंगा तो कहीं मतलब चीज़ें वो हो जाएंगी आपकी दिमाग से इधर उधर हो जाएंगी, इसलिए अभी आप सिर्फ वेट नोब से उसकी स्प्रेडनेस पे फोकस करना। देखो कितना सा वो था, कितना उसने फैला दिया, उसे अच्छा लग रहा है वो कितना। और मैंने आपको दूसरा प्लगइन दिया था फ्रूटी डिले 3। दोनों का अगर मैं आपको अर्थ बताऊँ, रिवर्ब है कितना गूंज है उसके अंदर, जैसे हेलो एक होता है हेलो वो फैला, मतलब कितना गूंज है उसके अंदर। और डिले है कि कितने रेपिटेशंस में हुआ रहा है, इको कहते हैं जिसको हम इको कहते हैं, कि कितनी बार वो शब्द रिपीट होता है, जैसे हेलो 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 हेलो, जैसे आपने शादियों में सुना होगा वो बसता है ना हेलो 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 हेलो, वही डिले होती है। तो इसके अंदर भी हम इसमें स्टीरियो मोड कर देंगे, डिले का भी मास्टर क्लास आएगा, बट अभी नहीं, भी आप दो नोब देखो, पहले इसको स्टीरियो कर देना। मोनो मीन्स सिंगल सिग्नल होता है और स्टीरियो मीन्स मल्टीपल सिग्नल्स, तो हमें इसको फैलाना है, तो फैलाने के लिए मल्टीपल सिग्नल का यूज़ करेंगे, एक मतलब सिंपल सा एक कॉमन सेंस वाला मीनिंग है, इसलिए हम स्टीरियो को यूज़ कर रहे हैं। अब इनका भी डिटेल चीज़ मैं आपको तब बताऊँगा जब मैं आपको इनकी मास्टर क्लास दूंगा। अब उसमें वेट नोब का ध्यान रखा था, इसमें भी वेट नोब का ध्यान रखेंगे। देखो डिले का जितना ज़्यादा करोगे उतना बेकार होता जाएगा, डिले को एक बहुत ही सटल मतलब आपको एक उसका स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा डिले के अंदर, डिले अच्छी भी कर देगी चीज़ बेकार भी कर देगी, तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे उसको पुल, ठीक है। देखो आ रहा है वो, ध्यान से सुनना, आ रहे ना, देखा आपने, सुना ध्यान से। अब हल्का शोर बढ़ा दूं इसे लेवल इसका, देखो डिले के अंदर भी आप कह सकते हो, आपको पता है आप अपने लोफाई सैंपल्स को डिले के अंदर बना सकते हो।
ये थोड़ी चीज़ होती है। शाउट आउट टू देव नेक्स्ट लेवल जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो आप उनकी वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट अभी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं शायद से मैं ही बता दूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो आप, मैं भी इसका लेक्चर डाल दूंगा तो आप उसको भी देख सकते हो फिर, वरना मैं किसी का देखो गाइस कंटेंट नहीं चुराना चाहता। तो मैं चाहूँगा कि आप देव नेक्स्ट लेवल का ही जाके, अगर आपको डिले से मेरे सैंपल्स का कुछ करना है उसके साथ आपको ट्विक, तो आप देव नेक्स्ट लेवल का वीडियो जाके ज़रूर देखिए। उन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर सुना रखे प्रोडक्शन पर। तो वापस आ जाते हैं, अब हमने देखा डिले का एक बहुत ही ऐसा अमाउंट रखा जिसमें वाइब दे रहे हैं। अब गाइस कोर्स को ऑन करते हैं। पहले क्या था, यहां से आप इन प्लगइन्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। और एक चीज और सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो प्लगइन ऑन ऑफ हो गया। अगर आप चाह रहे हो यार मैंने तो सारे नो प्लगइन्स लगा रखे हैं, अब मैं एक को बंद करूँ अगर बहुत टाइम जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, इस पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट था नीचे 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 ये पैडल दिखेगा आपको, पैडल सा, ये पैडल को क्लिक करो, आपके ये प्लगइन बंद हो गए। अब क्या है, प्रोसेसिंग के बाद पैडल ऑन करते हैं। वाओ कितना वो खिल गया। तो गाइस ये थी हमारी मेलोडी प्रोसेसिंग। इसके बारे में आप वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैंने जितना प्रोडक्शन किया है कि ना मेलोडी के अंदर रिवर्ब डिले आप डालो अगर उसको नीड है, बट मैं कहूँगा कि आप ना मेलोडी जब क्रिएट कर रहे हो तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपने प्लगइन लगाया है ना, अगर उसने जो प्री प्रोसेसिंग अगर आपको करके दे रखी होगी ना, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो वो टोन ना अपने आप में एक खिला हुआ सा साउंड करेगा, क्योंकि वो पीछे से इंडस्ट्री से इतना वो करके आए, क्योंकि जब इंडस्ट्री उस साउंड को क्रिएट कर रहा था तो उन्होंने उसको उसकी परफेक्ट जगह दी कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपकी मिक्सिंग के अंदर मेहनत बचेगी, कि जब आपको मिक्स करना तो होगा तो आप ना वो एक हर एक इंस्ट्रूमेंट की ना विड्थ डिटरमाइन करते करते ना दिमाग ख़राब हो जाएगा आपको। तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऐसे चूज़ करो जिसके अंदर रिवर्ब डिले ऑलरेडी लग के आता हो। तो एक प्लगइन का मैं नाम लूँ तो नेक्सस है, थर्ड पार्टी है वो, फ्यूचर में हम उसको यूज़ करेंगे और उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। बट अभी जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, FL के अंदर हमारे पास आते हैं स्टॉक में ये सिट्रस हो गया, हमारे पास GMS हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो ये बहुत अच्छे हैं। सिट्रस का अगर आप साउंड देखो, कितना रिच साउंड है, कितना मतलब, सिट्रस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एप्पल स्टूडियो। तो सॉरी नॉट इंस्ट्रूमेंट, अ प्लगइन। तो अगर मैं इसी का अगर कीबोर्ड लेता, अगर मैं इसको कट करके, मज़े ले रहा हूँ गाइस, चेक कर लेते हैं। ये देखो आई ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट देखते जाओ। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कीबोर्ड वाला जो पार्ट था उसको एक सीक्वेंस के अंदर डाल दिया। सीक्वेंस गाइस बेसिकली क्या होता है, एक रेपिटेशन, कि वो सीक्वेंस में चल रही है चीज़। मैंने कोई नोट अलग नहीं लगाया, मैंने उसको कॉपी करके एक पेस्ट किया और इसके अंदर सिट्रस के अंदर एक सीक्वेंस था इको बास करके, मैंने इसको लगा दिया जिससे वो फैल गया, मतलब वो सीक्वेंस में क्रिएट हो गया। अब क्या बन गया ओवरऑल, तो ऐसी ऐसी प्रोडक्शन बनती जाती है, बीट बनती जाती है। खैर इसको भी आप काट दो, आपके आपके लेक्चर में प्रोसेसिंग से हमें मतलब था। तो प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या है कि अभी आप रिवर्ब डिले के साथ थोड़ा सा खेलो, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि रिवर्ब डिले से आपको थोड़ा सा आपकी मेलोडी खेल जाएंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं FL के इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ड्राई सिग्नल आता है। जैसे ये हो गए इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, ये हो गए, तो ये सारे हमारे गाइस बिल्कुल ड्राई होते हैं, इसके अंदर कोई भी FL इफेक्ट नहीं दे रखा होता।
तो थोड़ा सा रिवर्ब डिले से आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। और अच्छी प्रोसेसिंग गाइस मैं शुरू कर दूंगा जब हल्का फुल्का मिक्सिंग का, क्या है कि मिक्सिंग क्या तो प्रोडक्शन वाले भी मिक्सर को यूज़ करते हैं, यूनिक ही प्रोडक्शन वाले इसको यूज़ नहीं करते, प्रोडक्शन वाले भी इसको यूज़ करते हैं साउंड क्रिएशन के लिए कि वो साउंड कैसी चाहिए। तो जैसे बेसिक बेसिक ईक्यू कंप्रेशन का मैं शुरुआत आपको करने लग जाऊंगा थोड़े लेक्चर्स के बाद, क्योंकि हम अपना बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, आज मैं प्रोसेसिंग पे आ गया तो ज़्यादा दूर नहीं है सब चीज़ें। तो गाइज अब थोड़ी सी कमर कसने का टाइम आ गया आपको, जितना मैंने अभी तक आपको लेक्चर्स बताए हैं उनको अच्छे से फिर रिवाइज कर लो। अब हम थोड़ी ट्रेन पकड़ने वाले हैं बढ़िया वाली, तो अब से आपका प्रोडक्शन का सफ़र बहुत अच्छे तरीके से शुरू होने वाला है। ओके गाइज तो फिर मिलते हैं, टाटा।